सो स्टूडेंट्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लैंडमार्क इमिग्रेशन के लुधियाना के सेमिनार में। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्लेमिंग यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। सो इनसे बात करेंगे आज का सेमिनार किस तरीके का रहा, कौन कौन से मेन कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। स्वागत है जी आप। जैसे कि आप जानते हैं फ्लेमिंग कॉलेज टोरंटो, फ्लेमिंग क्या कहते हैं टोरंटो मिड टाउन सिटी लोकेशन पर आ रहा है। जो भी पंजाबी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं कनाडा के अंदर, उनके लिए हमारे पास चार प्रोग्राम है। जो स्टूडेंट ने अभी 12th पास किया है तो उसके लिए हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम है बिजनेस के अंदर। जो स्टूडेंट ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं उनके लिए हमारे प्रोग्राम, हमारे पास है ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट एंड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये चार प्रोग्राम है जिनके अंदर बच्चे अप्लाई कर सकता है। जो भी बच्चे अभी सितंबर के लिए देख रहे हैं, अगर वो जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उनके लिए उतना अच्छा है, बिकॉज अभी एक तो हमारा एप्लीकेशन फी वेवर चल रहा है, दूसरा हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, तो जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना चांसेस आपके होंगे कि आपको एडमिशन मिल सके और आप हमारे पास आके पढ़ सकें। तो आइडियली आप क्या सुजेस्ट करेंगे, कितनी इनटेक से कितनी देर पहले स्टूडेंट को प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए? अगर हम बात करते हैं इनटेक से कितना जल्दी शुरू करना चाहिए, तो उसमें दो तीन फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। कम से कम भी आपको एक से डेढ़ महीने पहले तो आपको अपना वीज़ा ही डालना होता है। तो उससे पहले अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो कम से कम 2.5 से 3 महीने का गैप होना चाहिए, ताकि आप अपना जो भी प्रोसीजर है उसमें अपना आराम से टाइम ले सकें और आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।